Everybody, this vlog covers our travel from Bangalore to Kunur and Kunur to Ooty via toy train. So, हमारी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम मान्यता टेक पार्क बस स्टैंड एंड वी जस्ट फिनिश्ड आवर वर्क ऑन फ्राइडे नाइट एंड टुक आवर बस दैट इज ग्रीन लाइन एसी स्लीपर बस. इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल नो डाउट एंड वी टुक इट अराउंड लाइक 10:30 एंड देन वी वर जस्ट हैविंग आवर डिनर एंड ऑल और साथ ही में बैंगलोर की कंस्ट्रक्शन का मजा लेते हुए. जो लोग कहते हैं कि बस का ट्रैवल इज अनकंफर्टेबल, आई थिंक इट्स क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज ये रुकती भी है फॉर वॉशरूम्स एंड ऑल, सो आई थिंक वी कैन इजीली ट्रैवल फॉर अ बस. तो सुबह हम पहुंचे अराउंड 7 के आसपास एट कुनूर स्टेशन. एज यू कैन सी इट्स 6:54 देयर and the station was like very 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 cute, very beautiful. और सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था एंड ओ माई गॉड इट वॉज लाइक वेरी प्रिटी स्टेशन एंड दिस वॉज द टॉय कार जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले थे, आई मीन टॉय ट्रेन. तो इसी के साथ आफ्टर वेटिंग फॉर एन आवर द ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 एंड हम लोगों का जर्नी शुरू हुआ फ्रॉम कुनूर स्टेशन. And in between, we got a lot of stations like Wellington. Kunur to Ooty, the view was like awesome. It was so, so beautiful, so elegant, just looking like a wow wala feeling tha. So yeah, we finally had this experience of toy train, जो generally लोगों को नहीं मिलता है, like because there is a lot of waitings in this toy train. And हमारा भी कोई plan नहीं था. Our plan was to directly reach to Ooty. बट हमने एक नाइट पहले ट्राई किया था एंड हमें दिख गया कि अवेलेबिलिटी है ट्रेन का. तो हम लोगों ने सुबह सुबह ही 7 बजे हम लोग उतर गए. अदरवाइज हमारा स्टेशन मतलब बस स्टॉप हमारा ऊटी का लेट आता. एंड इसी के साथ हम पहुंचे हमारे ऊटी स्टेशन विच वॉज अवर मेन डेस्टिनेशन. एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी सपनों की दुनिया में. सपना जो देखा मैंने, दुनिया जो बनाई आप लोगों ने. तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले शॉर्ट्स देखे होंगे तो हम लोग आ चुके हैं ऊटी वाया कुनूर. तो हमारा प्लान नहीं था कुनूर उतरने का, लेकिन हम लोगों ने ऑन दी स्पॉट टिकट्स चेक करी और हमें अवेलेबल मिल गई. तो फिर हम लोग सीधा कुनूर उतर गए एंड कुनूर से हम लोग यहाँ आ गए. तो हम लोग अभी ऊटी के स्टेशन पर है विच इज़ नोन एज मंडल. यस, मैं गलत प्रनाउंस कर देती फिर आप लोग वायरल कर देते मेरे को, तो मैंने सोचा दीदी से बुलवा देती हूँ. तो अभी हम लोगों ने क्या किया ना, क्योंकि हम लोग बस से ही उतर गए थे तो फिर हम लोगों ने रेडी वेडी हम लोग स्टेशन पर ही हो गए. अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे ऊटी के अच्छे अच्छे लोकेशंस जो कि मैं आपको दिखाऊँगी मेरे इस ब्लॉग में. तो बने रहिए हमारे साथ. यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स की जगह ऐसे ग्लास बॉटल्स में पानी मिलता है. अदरवाइज प्लास्टिक बॉटल्स 5 लीटर्स का सीधा अलाउड रहता है. आप फिर उसको आप एक एक लीटर की आपकी अगर खुद की आप स्टील बॉटल्स लाते हो तो उसमें यूज़ कर सकते हैं. यहाँ 1 लीटर का सिंगल बॉटल्स अलाउड नहीं है. मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है. हर टूरिस्ट प्लेस में ये वाली चीज़ कंपलसरी कर देनी चाहिए और सब जगह से प्लास्टिक बॉटल्स बैन कर देना चाहिए. So we started for our first journey which was tea and chocolate factory, basically जहाँ पे टी एंड चॉकलेट बनाए जाते हैं. एंड मैं अंदर का दिखा सकती हूँ आपको कितना ज़्यादा ही यमी सा दिख रहा था दिस मशीन एंड ऑल. यहाँ पे हमने प्रॉपर देखा कि कैसे चॉकलेट्स वगैरह बनती है. These 3 pieces for all 3 of us are free with our tickets. So, नीचे का एरिया बेसिकली कवर्ड दी चॉकलेट फैक्ट्री एंड ऊपर वाला वॉज फुल ऑफ टी फैक्ट्री एंड दोनों ही जगह हमें टिकट्स लेना पड़ा. इट वॉजेंट महंगा, इट वॉज अराउंड लाइक कुछ 30 रुपीज पर पर्सन या ऐसा कुछ था. देन यहाँ पे आप हिस्ट्री ऑफ टी स्पीच और लेके पढ़ ले रहे यार.
बाकी यहाँ पे ऊपर में हमने पूरा देखा कि टी कैसे बनाई जाती है, व्हाट ऑल मशीन्स आर यूज्ड एंड हाउ दे आर प्रोसेस्ड। सिंस ऊटी वॉज ऑल ऑफ नेचर, डेफिनेटली आपको पूरे व्लॉग में नेचर तो दिखता ही रहेगा, व्यू पॉइंट्स इतने प्यारे प्यारे हैं, और यहाँ पर हम लोग फोटोज एंड वीडियोज लिए बिना कैसे रह सकते थे। सो आफ्टर वी वर डन विद आवर फोटोज एंड वीडियोज, वी वेंट फॉर आवर कॉम्प्लीमेंट्री टीज जो हमें टिकट्स के साथ मिलती है। तो वी टुक आवर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टीज एज यू कैन सी एंड जस्ट ड्रंक इट, हैड फन। वहां से निकल के हम आए और नीचे वाले सेक्शन पे जहाँ पे चॉकलेट्स एंड ऑल सेल हो रही थी। एंड ऑफ कोर्स मैं तो इतनी स्वीट पर्सन हूँ नहीं, बट माय सिस्टर इज अ चॉकलेट लवर डेफिनेटली, जीजू भी हो गया। तो दीज गाइज वर लाइक एनालाइजिंग क्या लेना है क्या लेना है, मैंने भी अपने फ्रेंड्स लोगों के डब्बा लिया था। सो फाइनली वी टुक आवर चॉकलेट। कितने की हो गई चॉकलेट? 500। सो मेनी चॉकलेट्स गाइज। एंड फाइनली हम निकले हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। कुछ प्लेसेस लाइक हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने ऐसे ऑन द वे ही कवर कर लिया था, इनके लिए ऐसे रुकना स्पेशली जरूरी नहीं था। सो वी जस्ट वेंट अहेड विद आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड रीच्ड पाइन फॉरेस्ट। सो पाइन फॉरेस्ट में यहाँ पे स्टार्टिंग में टिकट लेना पड़ता है, अगेन इट वॉजेंट मच महंगा। तो हमने एंटर किया एंड एज यूजुअल हम हमारे फोटोज एंड वीडियोज में ऑक्यूपाई हो गए। तो ओवरऑल दिस वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑफ पाइन फॉरेस्ट, जैसा कि आप देख सकते, इट वॉज सो प्रिटी, सो सो प्रिटी। एंड वी हैड अ कैमरा, तो हम लोगों ने सारे पिक्चर्स वगैरह लेना शुरू कर दिया था अच्छे से। देन इसी में आगे चल के वी हैड दिस पाइकरा लेक एज वेल, and then went ahead with our next destination which was when lockdown nature trail, which was nothing but again a nature view jisme sirf rasta tha tera mera jisme chalke jana tha, isliye hum log upar to nahi gaye, hum log wahan se humne cross kar liya kyunki hum log ko main destination karna cover karna tha jo aap aage dekhoge, but uske pehle itni zyada bhook lagi thi ki we had corns, we had curry and all everything। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 लीटर का ही प्लास्टिक कैन यहाँ पे ये लोग रखते हैं, इसके अलावा छोटी बॉटल्स ये लोग बिल्कुल नहीं रखते प्लास्टिक की। सो ओनली 5 लीटर बॉटल्स आर अवेलेबल इन ऊटी। एंड देन वी वेंट अहेड विद आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच वाज पाइकरा फॉल्स। तो पाइकरा फॉल्स में एक हमारे साथ बीपी ये हुई कि हम जब गए तब फॉल्स शुरू ही नहीं हुए थे, तो इस वजह से हम लोगों ने फॉल्स तो नहीं देख पाए। बट यस, हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके बिकॉज इट वॉज अ वेरी कूल ब्रीज जो हमें मिल रहा था, भले ही हम लोग आपको दिख रहे हैं बहुत ऐसे धूप धूप एरिया में, लेकिन यस हवा बहुत ठंडी चल रही थी एंड हम लोग को बहुत ही सुकून जैसे मिला था। प्लस हम लोग इतने टाइम से चल रहे थे तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, तो वी जस्ट हैड आवर फोटोग्राफी सेशंस एंड ऑल अगेन एंड जस्ट सैट देयर फॉर लाइक हाफ एन आवर। एंड डे वन के हम लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके थे विच वॉज बोट हाउस, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बोटिंग ली थी। एंड ट्रस्ट मी, वहाँ पे प्लीज नॉर्मल बोटिंग मत लेना, हैव योर इलेक्ट्रिक बोटिंग, वो शायद स्पीड बोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो ही लेना। इट विल बी फॉर जस्ट 8 to 10 minutes आई गेस, बट द एक्सपीरियंस इज ऑसम जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
और फाइनली हम पहुंच गए हमारे स्टे वाले लोकेशन पर एंड ट्रस्ट मी द स्टे वाज ओ माय गॉड इट वाज सो प्रिटी एंड जैसे कि आप देख सकते हो इसका व्यू भी इतना प्यारा था सबको नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखेगा कि इसका लाइक एग्जैक्ट व्यू क्या था बट यार दिस वाज आवर रूम एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन द स्टे थोड़ा रेस्ट लेके हम लोग निकले हमारे डिनर के लिए वी वेंट टू द मेन ऊटी मार्केट वहाँ पे हमने एक कैफे सर्च किया लाइक रेस्टोरेंट सर्च किया एंड देन वी हैड अ डिनर एंड वी रेस्टेड लाइक एनीथिंग सो वी एट एंड रेस्टेड लाइक एनीथिंग एंड बाकी आप बने रहिए हमारे सेकंड व्लॉग के लिए जल्दी मिलते हैं सेकंड व्लॉग पे थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड हैव फन विजिट ऊटी एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट द ड्राइवर्स कॉन्टैक्ट टू विल शेयर एवरीथिंग ऑन द नेक्स्ट व्लॉग